प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन योजना उन लाखों युवाओं और महिलाओं के लिए लाभकारी साबित हो रही है जो पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार या नौकरी की तलाश में देश प्रदेश में भटक रहे थे। शाहजहांपुर में घर पर ही बुटीक सेंटर चला रही गृहिणी महिला दीप्ति देवी ने बताया कि मैं पहले मात्र घर का कामकाज ही देखती थी। एक दिन मेरे भाई जो कि रोज ट्यूशन जाया करता था उसकी नजर प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के पोस्टर पर पड़ी। उसने मुझे बताया तब मैंने जाकर इस सेंटर से 6 माह का सिलाई का कोर्स किया और घर पर ही दीप्ति बुटीक सेंटर के नाम से काम शुरू कर दिया। आज मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने पहली बार हम जैसी गृहिणी महिलाओं के बारे में कुछ अच्छा किया है। अब मैं घर के काम के अलावा 3,000 रुपए मासिक पैदा कर अपने घर का खर्च भी चला रही हूं। पहले मैं खाली था और काम करने की सोच ही रहा था लेकिन मुझे कोई काम समझ में नहीं आ रहा था। प्रधानमंत्री जी ने ये योजना चालू करी, इससे मुझे ट्रेनिंग मिली, आत्मविश्वास बढ़ा कि मैं ये काम करूं। शाहजहांपुर जनपद में उन्होंने ये ट्रेनिंग सेंटर खोल के बहुत अच्छा काम करा। मेरे जैसे कई लोग मेरे साथ में काम कर रहे थे जो आज की डेट में छोटा बड़ा हर तरीके का काम कर रहे हैं। जब मैं मार्केट बाज़ार जाया करती तो मुझे पोस्टर लगे देखे, दो चार लड़कियों से बात की, पता चला कि इसकी ट्रेनिंग हो रही है SET की। तो जब मैं वहाँ गई तो ट्रेनिंग ली मैंने और मुझे कुछ अपना काम करने का मौका मिला है, कुछ सीखा हमने सिलना करना। अब हम घर पर ही कुछ अपना काम कहेंगे, पहले हमसे कुछ नहीं आता था, अब आज हम बहुत कुछ कर लेते हैं, अपने घर के अपने ही सूट सिल लेते हैं और भी 4 लोगों को सूट सिल के देते हैं, अपना कुछ घर का भी खर्चा चलाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मतलब जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए एक योजना शुरू की है, उसका केंद्र हमारे शाहजहांपुर में ही खुला है और जो जो मतलब कुछ करते नहीं है उन्हें कुछ सिखा के मतलब ट्रेन करना और वो अपना रोजगार पाना। फिर वहाँ हम लोग गए, पता किया, वहाँ सिलाई से संबंधित भी कोर्स था, फिर हम लोगों ने वो कोर्स किया, 3-4 महीने का कोर्स था। उसके बाद हम लोगों ने मतलब वहाँ काम सीखा, घर पे 1-2 महीने प्रैक्टिस की, 1-2 महीने प्रैक्टिस की, उसके बाद फिर अपना काम चलाया। अब जो महीने में 2-3 हज़ार का अर्निंग हो जाती है, इससे घर भी अच्छे से चल रहा है, बच्चे की पढ़ाई भी निकल रही है।